मेरा दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम सोशल मीडिया मस्ती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नए, कुछ ना कुछ खास बातें लेकर आते हैं और साथ में आपको जानकारी देते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जो कि आपके फिल्मों और गानों के साथ आपका मनोरंजन तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल साइट्स पर यानी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन जगहों पर इन दिनों वो क्या मौज मस्ती करते हुए नज़र आते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। क्योंकि कोई भी स्टार का जब कोई बहुत बड़ा फ़ैन होता है तो उनसे जुड़ी हर बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है और वो बेताब भी होते हैं। इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में आपके सुपरस्टार से वो जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले इंस्टा पर की बात करते हैं, जिसमें मोहिनी घोष जो कि भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत हीरोइन में से एक मानी जाती हैं, उन्होंने मोहिनी ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पोस्ट किया है उसे डिज़ाइन करके, और जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग एक सॉन्ग गाते हुए नज़र आ रही है, जिसमें लिखा है उन्होंने देयर फिल्टर मेक मी फील मोर ब्यूटिफुल, यानी कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी गाने के साथ उन्होंने अपनी इस वीडियो को पोस्ट किया है और अभी तक करीबन 550 से ज़्यादा लोगों ने उनके इस पोस्ट को लाइक कर दिया है। वहीं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस, जी हाँ बोल्ड एक्ट्रेस हम कह सकते हैं उन्हें, बोल्ड एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर से अपने गाने जो कि उनका बंगाली गाना है जिनकी शूटिंग वो हाल ही में कर रही थी और बहुत ही हॉट अंदाज के साथ, बहुत ही अलग अलग अंदाज के साथ वो नज़र आई हैं। मोना ने पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने गाने पर धमाके मतलब बहुत ही हॉट अंदाज में गाने को क्लेरिफाई करते हुए नज़र आ रही हैं, दिखाते हुए नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने पोस्ट किया है जुम्मा बुड़ी इज़ द फाइनली हेयर टू बी द क्वीन ऑफ योर हार्ट तुम इन टू, इन्होंने भोजपुरी बंगाली में जो लिखा है वो अपने गाने का नाम लिखा है और साथ ही उन्होंने लिखा है एंड सो क्रेजी विद ऑल ऑफ यस, यानी कि वो बहुत ही खूबसूरत भले ही ये जो गाना लेकर आ रही हैं वो बंगाली गाना हो, किसी हर किसी को समझ में ना आए, लेकिन जो उनका अंदाज़ है डेफिनेटली हर किसी को पसंद आ रहा है। तभी तो देखिए भाई इस पोस्ट को कुछ ही घंटों में 10,500 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपको गुंजन पंत, उन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने हमारे बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रोमांस के जो किंग कहे जाते हैं शाहरुख खान का गाना ये लड़की हाय अल्लाह पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से शर्माती हुई अपनी एक वीडियो शेयर की है और उन्होंने इस गाने के लाइन भी लिखा है और देखा जाए कुल मिलाकर तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय हैप्पी खुद को फील कर रही है। वहीं पर हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी फिल्म का हाल ही में अपनी फिल्म जिनका फिल्म आ रहा है उनके उस फिल्म का जानकारी देते हुए कहा है बॉर्डर सॉन्ग निरहुआ एंटरटेनमेंट निरहुआ म्यूजिक प्लीज़ चेक, यानी कि उनका एक गाना जो है अपनी उनकी फिल्म का वो रिलीज़ हुआ है और उन्होंने कहा है दर्शकों से अपील की है उनकी ये फिल्म ज़रूर आप लोग देखें। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर अगर जो बात करें तो शुभी शर्मा ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो बहुत ही किसी समारोह में नज़र आ रही हैं जो उनके साथ मनोज तिवारी भी वहाँ मौजूद हैं और शुभी शर्मा ने लिखा है फेयरवेल इवेंट यस्टरडे मी एंड मनोज तिवारी जी, यानी कि इन्होंने ये किसी फेस्टिवल में शामिल हुई हैं, किसी समारोह में शामिल हुई हैं जहाँ पर ये मनोज तिवारी जी के साथ नज़र आई हैं। उनके पोस्ट को अभी तक 3,000 लोगों ने लाइक कर दिया है। फिर से वही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस मोना ने अपनी फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें वो बिल्कुल येलो कलर की साड़ी पहन रखी है उन्होंने, मांग में सिंदूर, माथे पर बंदी और फुल इंडियन कॉस्ट्यूम में नज़र आ रही है, फुल इंडियन लुक में नज़र आ रही हैं, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे मोना जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उनसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत उनकी फ़ोटो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसकी वजह से शायद लोग इनके इतने दीवाने हैं कि इनकी सिर्फ एक पोस्ट करने भर की देरी होती है फिर उसे लाइक और कमेंट्स के तो मानो वहाँ फरमान लग जाती है। आपको बताना चाहेंगे अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा कि जब इतनी खूबसूरत फ़ोटो मोना ने शेयर की है तो दर्शकों ने क्या डिमांड दिया होगा, बिल्कुल 21,000 से ज़्यादा लोगों ने इनके इस पोस्ट को लाइक कर दिया है। वहीं गुंजन ने अपनी फिल्म की जानकारी दी है, जी हाँ उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में एक फ़ोटो शेयर किया है, साथ में लिखा है
गुंजन पंत पटना वाली दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीजिंग ऑन 1 जून एंड ये इश्क बड़ा बेदर्दी रिलीजिंग ऑन 8 जून. प्लीज़ वॉच एंड गिव मी योर लव्स एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. यानी कि इनकी 2 फिल्में जून के महीने में रिलीज़ हो रही है. पहली फिल्म रिलीज़ होगी 1 तारीख को और दूसरी फिल्म होगी 8 तारीख को रिलीज़. तो गुंजन की आप लोग ये भी फिल्म देखने जाएं भाई. आगे बढ़ते हैं. अगला मैसेज हमारे पास आम्रपाली दुबे का है जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो शेयर किया है. जी हाँ, वीडियो शेयर किया उन्होंने जिसमें वो मौज मस्ती करते नज़र आ रही हैं और देखा जाए तो इन्होंने अभी तक इनके पोस्ट को 2400 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं. वहीं पर रवि किशन ने गाइस एक बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर शेयर करते हुए लोगों को गुड मॉर्निंग दिया है. आगे बढ़ते हैं. संभावना ने अपनी एक मेहंदी की फ़ोटो शेयर की है. जी हाँ, जिस समय पर उनकी शादी के समय उनका मेहंदी का जो रीति रिवाज होता है वो चल रहा था, उस समय उन्होंने अपने पति के साथ उन्होंने फ़ोटो शेयर की है. और साथ ही साथ उन्होंने मेहंदी की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा है, संभावना ने लिखा है, ट्रू बैक मेहंदी सेरेमनी लव हैपेंस कपल माई लाइफ माई लव. यानी कि भाई आज तो अपने वो होने उनके जो पति हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फिदा हो रही है, उनको प्यार आ रहा है. और अभी तक संभावना की इस पोस्ट को करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. दिनेश ने एक पोस्ट और किया है जिसमें कि वीडियो है. और दिनेश ने ये पोस्ट किया है वीडियो में, अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेज शो किया है जहाँ का. और साथ ही दिनेश लाल यादव ने लिखा है, लव यू गाइस, इट वाज अमेजिंग शो. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू उन लोगों को कहा है, उन लोगों ने जिन लोगों ने निरहुआ को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया है. आगे बढ़ते हैं. अगला देखते हैं. अगला भी मोना का ही है जो अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए नज़र आ रही है, उनका जो गाना आने वाला है. और अगला हमारे पास पोस्ट आया है देव का. बिल्कुल देव सिंह की बात कर रही हूँ जो कि हाल ही में शादी के बंधन में बनने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे. उन्होंने अपना एक बहुत ही छोटी सी स्माइली वाला फ़ोटो शेयर किया है. और इन्होंने लिखा है, इस समय वो शूटिंग जो कर रहे हैं वो कल्लू के साथ राज तिलक की शूटिंग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने दी है. यानी कि एक बार फिर से देव सिंह को आप लोग राज तिलक में देखेंगे कल्लू के साथ. अब ये देखेंगे कि कल शादी के बाद भाई ये विलेन का अवतार बदलते हैं या फिर एक बार अपने वही पुराने अंदाज के साथ नज़र आते हैं. खैर, आपको बता दें, इसके अलावा मोना ने फिर से एक पोस्ट किया है जिसमें वो बंगाली लुक में ही हैं और उपटन लगाते हुए नज़र आ रही हैं. शायद ये भी उनके जो गाना आ रहा है उनके फिल्म उसका एक पार्ट हो. और लिखा है उन्होंने, जुमा बुड़ी. जी हाँ, बिल्कुल उसी का है ये. और उन्होंने लिखा है, इट इज़ राइट हेयर, सी इज गेटिंग टू रेडी स्टमिंग फॉर द 26 मई ओनली ऑन उनका जो चैनल है बंगाली का वहां पर. यानी कि 26 तारीख को, यानी आज उनका ये गाना रिलीज होने वाला था. तो पोस्ट किया उन्होंने भाई, यानी दर्शकों को जानकारी दी है. और इस हॉट अंदाज को, मोना के इस हॉट फोटो को अब तक 50,000 लोगों ने देखा है. यानी आप इस व्यूज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग इन्हें पसंद करते हैं. खैर दोस्तों, देखते हैं आपको आगे कौन कौन से हमारे स्टार हैं जो सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इतने ज़्यादा वो सुर्खियों में रहते हैं. और ज़रूरी भी होता है कि हर स्टार अपने जो दर्शक होते हैं उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि दर्शक हैं तो तभी आप स्टार बनते हैं, तभी आपको इतना ज़्यादा प्यार और आपकी फिल्मों को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है. खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही. अब देखते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में कौन कौन से हमारे स्टार हैं जिन्होंने अपने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हुए नज़र आते हैं. और फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही. कल मैं आपके सामने सोशल मीडिया मस्ती में फिर से कोई नई जानकारी लेकर हाजिर होंगी आपके नए सुपरस्टार्स के साथ. तब तक हमारे चैनल Next9 न्यूज़ भोजप्रिया को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए. इसके अलावा आपको हमारे प्रोग्राम से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो भी आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिखकर पूछ सकते हैं. और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को सारी जानकारी, आपके सारे सवालों का जवाब हम आप सभी तक पहुंचा सके. आज के खास प्रोग्राम पे यही लगाते हैं विराम. कल मैं आपके सामने हाजिर होंगी. तब तक हमारे चैनल को देखिए, हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और अपने स्टार्स के बारे में जानकारी Next9 न्यूज़ भोजप्रिया के द्वारा लेते रहिए. और मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.